अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, बच्चों के लिए बहुत ही मज़बूत बच्चों की हड्डियाँ होंगी, ताकतवर सी चीज़ है ये, फ़ायदेमंद बच्चों को बना के ज़रूर दें। तो आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। जितनी भी मेरी बहनें माएँ परेशान हैं, बच्चे खाना नहीं खाते, ज़्यादा दूध नहीं पीते, उनके लिए ये रेसिपी है, बहुत ही ज़ूदे हज़म है। तो इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। साबूदाना है तकरीबन 2 से 3 चम्मच साबूदाने के हैं। सेवैयाँ इसमें जाएंगी, जो मर्ज़ी आप जैसी भी ले सकते हैं, किसी भी किस्म की सेवैयाँ। मैंने रंग बिरंगी सेवैयाँ ली हैं ताकि बच्चे ये कलरफुल सेवैयाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें बिस्किट जाएंगे, चॉकलेट वाले बिस्किट ले सकते हैं आप, सिंपल भी ले सकते हैं। चॉकलेट वाले फ़्लेवर से बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाएंगे कलर देख के इसका। बाकी दूध जाएगा इसके अंदर, सिंपल इसके अंदर दूध जाएगा। चीनी हल्की सी हम डालेंगे इसके अंदर, हसबे ज़रूरत चीनी डालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जितने भी सबसे पहले चैनल पर नए व्यूवर्स है, बहन भाई, तो देखने वाले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, आल का बटन दबा दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, कंजूसी बिल्कुल ना किया करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। तो आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। व्यूअर्स, सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, कोई भी पैन कढ़ाई, जिसमें आप दूध डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम ऑन कर देंगे। तो दूसरी साइड पे मैंने साबूदाने को थोड़ा सा पानी में से निकाल के वॉश करके इसको मैंने एक पैन में डाल दिया। इसको थोड़ा सा हम बॉयल कर लेंगे एक पानी में। ये देखें, मैंने आधा ग्लास पानी का डाल के 2-3 चम्मच ये साबूदाने के हैं। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहे उस हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले हम दूध डाल देंगे। दूध भी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जितना आपके पास अवेलेबल है आप उस हिसाब से बना लें। तकरीबन ये 1 लीटर के करीब दूध है, इसके अंदर मैं ये रेसिपी बनाऊंगी। दूध को बॉयल होने के लिए हम रखेंगे, इसके अंदर मैं सेवैयाँ डाल दूंगी। आप लोग अलहदा से बॉयल भी कर सकते हैं, मैं दूध में इसको शामिल करके बॉयल कर लूंगी, खुद ही इसके अंदर ये पक जाएंगी। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से पकने देंगे। और दूसरी साइड पे मैंने साबूदाना रख दिया, उसको भी बॉयल आएगा, पक जाएगा, तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे इसको आगे करना है हमने। व्यूअर्स, सेवैयाँ अब बन रही हैं, दूध में पक रही हैं। तो साबूदाना भी ये देखिए मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया है हल्का सा। अब बाकी मैं दूध में डाल दूंगी, पानी बिल्कुल ये इसके अंदर साफ है। ये देखें, इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारी चीज़ें सेवैयाँ और साबूदाना अच्छे तरीके से पकने देंगे हम। बहुत ही मज़ेदार सा ये बच्चों के लिए बनेगा, मीठे में खीर की तरह। आप लोग बच्चों, छोटे बच्चों को भी, बड़े बच्चों को भी, जो पढ़ते हैं सबको बना के दे, खुद भी खा सकते हैं बड़े। ये बहुत ताकतवर चीज़ है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे पकाते जाएंगे। हल्की आंच पे इसको पकने दें और इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। चीनी हसबे ज़रूरत आप डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चेक करके आप लोग डालें, जितना आपका मटेरियल है उस हिसाब से आप लोग चीनी डालें। तकरीबन 3 से 4 चम्मच जाएंगे चीनी के। अब इसको हम हल्की आंच पे पकने देंगे, इतना पकने देंगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए खीर की तरह। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी ये खीर बच्चों की, सेवैयों की और साबूदाने की। बहुत ताकतवर चीज़ है ये, हड्डियों को मजबूत करती है। बच्चों को ज़रूर बना के दिया करें हफ्ते में एक बार। अब इसको पकने देंगे हम, थोड़ा सा ये थिक होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गया है ये मीठा बच्चों के लिए। देखिए सेवैयाँ और साबूदाना बिल्कुल थिक हो गया है, दूध काफ़ी खुश्क हो गया है। तो अब इसको हम फ्लेम को बंद कर देंगे, बिल्कुल रेडी है ये। तो आपको मैं प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर मैं इसके ऊपर बिस्किट आपको बताए थे, आप कुछ भी डाल सकते हैं, चॉकलेट, खोपरा, कोई भी आपके पास चीज़ घर में मौजूद है, बादाम पीस के डाल सकते हैं। ऐसे आपने बिस्किट डाल देने हैं, बहुत ही मज़े का ये लगेगा। थोड़े से हम गार्निश के लिए ऊपर रखेंगे, थोड़े से मैं ऐसे मिक्स कर देती हूँ। आप यकीन करें बच्चे बहुत मज़े से खाएंगे और बहुत एनर्जी आएगी ये खाने से बच्चों में। हड्डियाँ बच्चों की जो कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा ये ताकतवर है। अब मैं आपको बर्तन में डाल के दिखाती हूँ।
देखिए किसी भी आपने बोल में डाल लेना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए इसकी थिकनेस देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। ये देखिए कितना गाढ़ा है। व्यूअर्स आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, पसंद आई है तो ज़रूर आप लोग बना के देखें, बच्चों को बना के दें। और अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।